अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हुजमील अहमद और आप देख रहे हैं वन ऑटो ऑल राउंडर। दोस्तों मेरे पास आज एक होंडा सी जी 125 है, जो कि मॉडल तकरीबन नया ही है, इतना पुराना मॉडल नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों इसकी ना बैटरी बिल्कुल फारिग हो गई है। अब नई बैटरी दोस्तों अगर देखा जाए तो तकरीबन 1400-1500-1600 रुपये तक नई बैटरी अच्छी क्वालिटी में आती है। तो दोस्तों इन भाई के पास ना इतने पैसे नहीं है, 125 तो माशाल्लाह ने रखा हुआ है, बड़ा इस टाइम ना उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसकी बैटरी नहीं डलवाएं। तो दोस्तों बैटरी अगर ना नहीं डलवाएं तो इनकी दोस्तों हारन वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रहा, इंडिकेटर वगैरह भी नहीं चल रहे, और इन्होंने अपने बाइक में ना हेडलाइट भी मतलब LED लगवाई हुई है। तो दोस्तों हेडलाइट की भी रात के टाइम ना रोशनी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो दोस्तों इसी सिलसिले में अगर बैटरी आपके पास अगर नहीं है, गुंजाइश नहीं डलवाने के लिए, दोस्तों ये मेरे पास एक डिवाइस आपको नजर आ रही होगी, ये लोकल मेड है। इतनी मतलब है कि वो नहीं है कि ये मतलब है कि कंपनी शंपनी के, लोकल मेड है। बहरहाल दोस्तों ये मैं लगा के दूंगा इस बाइक को, और इसकी कीमत ना इस टाइम 200 रुपये है, ठीक है। सिर्फ 200 रुपये बाइक के लगेंगे और इनका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनकी हेडलाइट भी बिल्कुल सही वार करेगी, इंडिकेटर भी बिल्कुल सही वार करेंगे, उसके बाद दोस्तों इनका हॉर्न भी बिल्कुल ज़बरदस्त वार करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये जो चीज़ है बैटरी का मुकाबला करती है, पर बैटरी का मुकाबला नहीं करेगी, जहरी बात है। 1500 रुपये किधर हैं और 200 रुपये किधर हैं। जिस तरह पैसों में फ़र्क है, इस तरह हमारी चीज़ में भी फ़र्क होगा, काम में भी फ़र्क होगा। तो लगाने का तरीकाकार क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो को ऐसे करके आपने लाइक कर रहे हैं, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मजीद इस तरह के अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों चलते हैं मोटरसाइकिल तरफ, लाइव प्रूव आपको करके दिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक आपने लाजमी करना है। चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। तो दोस्तों ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बाइक है हमारे पास और ये मेरी दुकान है, ये ऊपर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप देख लें 0312-55-35-463। तो दोस्तों लोग अक्सर मेरी ना दुकान का शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो इससे मैं एड्रेस नहीं बता रहा, तो एड्रेस मैं तब बताऊंगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपको डील कर सकूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास टाइम हुआ या मेरे पास मैं सोचा कि हाँ यार मैं बाहर से कस्टमर अगर लूँ तो मैं इनको डील कर लूँगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपनी लोकेशन भी शेयर करूँगा, एड्रेस भी सब कुछ अपना बताऊँगा। तो दोस्तों ये होंडा सी जी 125 है। तो दोस्तों इसकी जो बैटरी आपको नज़र आ रही होगी, ये बैटरी में बिल्कुल पावर नहीं, मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। आपने वीडियो का मुकम्मल ध्यान से देखना है, इसमें बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये हमारा बैटरी है, तो इस बैटरी में बिल्कुल भी पावर नहीं है, देखें। अब बैटरी दोस्तों इसकी नई लगने वाली है, ठीक है, नई अपन तो 1500 की बैटरी है, बराबर भाई के पास गुंजाइश नहीं है डलवाने की, सीधी जो बात है। तो दोस्तों मोटरसाइकिल में आगे मैं आपको चेक करा देता हूँ, इसका मैं ये स्विच ऑन करता हूँ, मोटरसाइकिल को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों हमारा मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि ये देखें, ठीक है, मोटरसाइकिल हमारा स्टार्ट है और इसकी दोस्तों आगे हेडलाइट आपको नज़र आ रही है, देखें ये हेडलाइट इसकी जल रही है, कभी इस तरह मतलब ब्लिंक आ रही है, ठीक है। मतलब है कि ब्लिंक तब भी आ रही है कि इसमें वो नहीं है, बैटरी नहीं लगी, अगर बैटरी लगी होती तो बिल्कुल ये सही वर्क करती। अब हेडलाइट में ऑफ करता हूँ, LED लगी हुई है, ठीक है, हेडलाइट मैंने ऑफ कर दिया, इंडिकेटर चलाते हैं, इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया और ये कंडीशन है इंडिकेटर की, मतलब उस तरीके से नहीं जा रहा, ठीक है, मज़े का नहीं जा रहा। अब दोस्तों मैं हॉर्न बजाता हूँ, इंडिकेटर में बंद करता हूँ, ये मैंने इंडिकेटर बंद कर दिया, हॉर्न बजाता हूँ, हॉर्न की आवाज़ सुने, ठीक है। दोस्तों आपने हॉर्न की आवाज़ भी सुन ली है, इंडिकेटर भी आपने चेक कर लिया, हेडलाइट भी मैंने आपको चेक करा दिया है। अभी ये डिवाइस में लगाता हूँ, इसका नंबर वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगा। मैंने ये तोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो ये ऊपर ही पड़ा हुआ है मोटरसाइकिल के ऊपर ही, तोड़ के मैंने रखा हुआ है, इसका नंबर वगैरह सब कुछ मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा, आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी जो एक तार है, देखें हमारी एक प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। रेड वाली हमने रेड में लगा देनी है, जो हमारी वायरिंग की तार है मोटरसाइकिल की, ठीक है, ये मैं आपको लगा के चेक करा रहा हूँ, ये रेड वाली मैंने रेड में लगा दी है। और जो हमारी ब्लैक तार होती है दोस्तों, ब्लैक तार हमने लगानी है वायरिंग की ग्रीन तार के साथ, ठीक हो गया, ये मैं आपको टेम्परेरी चेक करा रहा हूँ, बाकी भी मैं इसकी प्रॉपर फिटिंग करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है, ये हमारा लग गया। अब हमारी इस मोटरसाइकिल की बैटरी की तारें दोनों ही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अभी मोटरसाइकिल हमारा स्टार्ट ही है, अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हॉर्न में और इंडिकेटर में और इसकी हेडलाइट में कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है। अभी आपने पहले देखा था, अभी भी आप देखें, अभी सबसे पहले मैं इसकी हेडलाइट ऑन करता हूँ, ये देखें हेडलाइट हमारी, ठीक है, अभी उस तरह ब्लिंक नहीं कर रही जिस तरह पहले कर रही थी, पहले बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी, ठीक है। ये हेडलाइट हो गई है, हेडलाइट को बंद कर देता हूँ, ये हेडलाइट हमारी बंद हो गई है। अभी इंडिकेटर आपको चेक कराता हूँ, ये इंडिकेटर देखें, ये इंडिकेटर हो गया हमारा, ठीक है, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब है कि काफ़ी बेहतर हो गया, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। अभी इंडिकेटर मैं बंद करता हूँ इसका, ये इंडिकेटर बंद हो गया, अभी मैं आपको हॉर्न चेक करा देता हूँ, ये देखें हॉर्न, ठीक है दोस्तों, फिर हॉर्न के बाद आप सुन लें, ठीक है।
हारन भी मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। जहरी बात है, हमने मोटरसाइकिल जब चलाते हुए हैं तब भी हमने हारन दबाना है, ऐसे हमने बाइक को खड़े को हमने हारन नहीं दबाना, ठीक है। ये बाइक जब आप स्टार्ट करेंगे तब ये वर्क करेगा, बाइक जब आपका स्टार्ट नहीं होगा फिर ये इसकी वर्किंग वगैरह कोई नहीं होगी। अब दोस्तों अभी आपने हारन चेक करें, देखें हारन में दबा रहा हूँ, हारन की आपने आवाज़ सुनी है, हारन मतलब सही चल रहा है। अभी मैं एक तार इसकी इस डिवाइस की एक तार में उतार देता हूँ, ये वाली। अब देखें मैं हारन दबाता हूँ, ये देखें यारन के ऊपर मेरा हाथ है, ये देखें अभी बिल्कुल सही नहीं चाह रहा, अभी ख़राब है, ठीक है। फिर दोबारा मैं तार लगाता हूँ, तार लगा के एक दो मैं फिर आपको चेक करा के ना फिर मैं आपको इसका नंबर वगैरह चेक कराता हूँ। ये देखें ये तार मैंने दोबारा लगा दी है, ठीक है। अब हारन दोबारा बजाता हूँ, ठीक हो गया। हेडलाइट ये देखें दोस्तों, फिर दोबारा हेडलाइट आपको चेक कराता हूँ। हेडलाइट की ना हेडलाइट की भी रोशनी तेज होती है, अभी देखें हेडलाइट मेरी लगी चली हुई है ना, अभी सुबह का टाइम है ना तो बहुत ज़्यादा रोशनी, मैं आपको दिखाता हूँ ये हेडलाइट हमारी चल रही है इस टाइम, ठीक है। अभी मैं इसकी तार उतारता हूँ, ये देखें इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ वीडियो को, ये छोटी हो गई, ठीक है। अभी मैं तार उतारता हूँ फिर आप देखिएगा हेडलाइट में फ़र्क पड़ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ आप लगाएंगे ना तो लाजमी आपके बाइक में फ़र्क पड़ेगा, ये नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें अभी मैं उतारता हूँ, ये देखें अभी हमारी लाइट कम हो गई, देखें बिल्कुल ही मतलब ब्लिंक हो गई है, नज़र आ रही है आपको। अभी मैं दोबारा लगाता हूँ तार, ये मैंने तार लगा दी है, इसकी हेडलाइट अभी बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि अगर आप ना आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास फिलहाल गुंजाइश नहीं है, तो आप ये वाली डिवाइस लगा सकते हैं। अब इस डिवाइस का मैं आपको नंबर चेक करा दूँ, तो दोस्तों इसका नंबर क्या है, मोटरसाइकिल को मैं करता हूँ बंद, मोटरसाइकिल हमारा बंद हो गया। तो दोस्तों ये मैंने एक तो ये है ना, ये मुकम्मल है, ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें थी वो सब कुछ लगा हुआ है। अब ये हमारी उतरी हुई है, इसका नंबर आप देख लें क्या नंबर है इसका, इस तरह दोस्तों आपको सही नज़र आएगा। ये देखें ये अगर ये डिवाइस आपको किसी बाइक वाली दुकान से नहीं मिलती ना, तो आपने दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकान पे चले जाने हैं और उनको बोलना है कि ये वाला आप हमें कैपेसिटर दे दे, 3300 UF है, 25 वोल्ट है, ठीक है, ये मैंने तोड़ा हुआ है इसमें से, ठीक है ना। तो ये अगर आप अपने बाइक में लगा देते हैं, इतना आपको होता है बाइक, ज़्यादा मैं नहीं कहता, बैटरी का मुकाबला तो नहीं करता, बर इतना होता है कि आपका गुजारा सही ज़बरदस्त चलता रहेगा, ठीक हो गया। तो इस दोस्तों शॉर्ट सी वीडियो में मैंने यही बताना था। अब ये होंडा CG125 है, पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, वो CG70 पे लगाया था, उसका भी रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त था और वो भी वीडियो मेरी वायरल गई है, वो भी लाखों में मेरी वीडियो गई है, मैं मेंशन कर दूंगा, वो वीडियो भी आपने देख लेंगे अगर आपका CG70 मोटरसाइकिल है उस पर आप किस तरीके से लगाएंगे। तो इस वीडियो का दोस्तों यहीं पे अख्ताम करते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।